बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बाराकोव प्रेस क्लब की जानब से फ्रांस की तरफ से गुस्ताखाना खाके शाया करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली से प्रेस क्लब के सदर नसीम नून, जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर वकार हसैन अबासी, चेयरमैन मजलस अमला नवीद अहमद अबासी के अलावा दीगर मम्बरान ने भी खिताब किया। आइए आपको अठाल चौक के मनाजर दिखाते हैं, जहाँ मुकर्ररीन अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे हैं। प्रेस क्लब बाराकोव प्रोफेसर वकार साहब से। जी सर, कुछ क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम प्रेस क्लब बाराकोव के तमाम अरकान उहदेदारान हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर फ्रांस के सफीर को निकाला जाए, और दूसरी बात कि जो फ्रांस की मसनूआत हैं सरकारी सतह पर उनका मुकम्मल बायकॉट किया जाए। मौजूद हैं सदर प्रेस क्लब नसीम नून साहब, इनसे पूछते हैं। नून साहब, आज आपने ये रैली निकाली है और माशाल्लाह बड़ी खुशी है, आपने यहाँ प्रेस क्लब की नामजदगी की है साथियों ने, जो यहाँ के हमारे बाराकोव के साफ़ी हैं, मुख्तलिफ अखबारात और टीवी चैनल से वाबस्ता हैं, तो आप कुछ क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि नामों से रसालत पर जो फ्रांस में जो तोहिन हमें सिलसिला जो हुआ है, अगर उसके हवाले से हम देखते रहें, मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहरे हुए इस हवाले से, लेकिन हुकूमत वक्त पर किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ। सबसे पहले तो हमें इस बात का दुख होता है कि मुसलमानों की हुकूमत है और उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हमारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की गई, तौहीन की गई और उनके खाके जारी करके। तो मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक्त से कि आज भी उनके पास वक्त है कि आज भी फ्रांस के साथ अपने सफारती तलकात को ख़त्म करें, फ्रांसी सफीर को यहाँ से बाहर मुल्क बदर करें, अपने पाकिस्तानी सफीर को वहाँ से वापस लाएँ, और जो फ्रांसीसी मसनूआत हैं उसका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें, ना कि मुल्क के अंदर बाइकाट करें बल्कि आलम इस्लाम को बाखबर करें कि आलम इस्लाम फ्रांस के साथ अपने सफारती तलकात को ख़त्म करें और उनको एहसास दिलाए कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं प्रेस क्लब बाराकोव के ज़ेरे तमाम आज इस नामूसे रसालत रैली, नामूसे रसालत का ये एहतजाज, तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत के लिए आज जो हम बाराकोव के सहाफ़ी प्रेस क्लब की छतरी तले इकट्ठे हुए हैं, हमारा एक ही मुतालबा है हुकूमत वक्त फिलफौर फ्रांस के सफारतकार को मुल्क बदर करे। और मैं यहाँ पे अपने अवामुन्नास, अपनी ताजर बरादरी से यह गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदा के लिए जब हम कहते हैं कि अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए, तो शिफात हमें तभी नसीब होगी जब हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जानों का नजराना देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरी आपसे एक ही इल्तमास है कि आप फौरी तौर पे फ्रांस की मसनूआत का फिलफौर बायकॉट करें, घरों के अंदर, बाजारों के अंदर किसी किस्म की फ्रांस की मसनूआत को इस्तेमाल करने से गुरेज करें, तो तभी हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब से वफात होने। तो हम दे रहे हैं ये जहाँ चीज़ क्या लोहो कलम दे रहे हैं। हम प्रेस क्लब बाराकोव के प्लेटफार्म से हुकूमत पाकिस्तान से शदीद अल्फाज में मुतालबा करते हैं कि फिल फौर फ्रांस के सफीर को वापस दखल करें और अपने सफीर को वापस बुलाए। हजूर पाक की जो मोहब्बत है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये बात इस वक्त अपने साफ़ी साफ़त के प्लेटफार्म से ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, इसके ऊपर एक मुसलमान जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती है वो किसी किस्म की कोई जो है ना वो मसालियत का शिकार नहीं हो सकता। और हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि हमारी जानें, हमारे बच्चे, हमारे औलाद, हमारे माँ बाप सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूसे रसालत पर कुर्बान हों, और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो फ्रांस के सफीर को फिल फोर जो है ना वो मुल्क बदर करे। मत वक्त से ये पुरजोर अपील करते हैं कि फुल फोर ये गुस्ताख है नबी, ये जो मुल्क है फ्रांस, इससे सरकारी सतह पर इसकी तमाम मसनूआत का बायकॉट का ऐलान किया जाए
और अपने सफीर को पाकिस्तान वापस बुला के उनके सफीर का मुल्क बदल किया। न सर झुका कर जिए, न मुंह छुपा कर जिए, सितम सर की नजरों से नजरें मिला कर जिए, रहे जिंदगी में दो दिन कम जिए तो फिर क्या हुआ, हम उनके साथ जिए जो मशाले जला कर जिए। आज जिस अजीम मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए, ये मकसद बहुत अजीम मकसद है। हमारी टाइम कम है, गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि गवर्नमेंट सतह पर गुस्ताही की गई, इसका जवाब गवर्नमेंट सतह पर किया जाए। तुर्की के सदर ने उसी दिन फ्रांस के सफीर को वापस भेजा था, आज तक ये फ्रांस का सफीर यहाँ पर है, इसे वापस भेजा जाए। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने, फ्रांसीसी मसनूआत का सरकारी सतह पर बैकाट करने का मुतालबा किया। रैली प्रेस क्लब बाराकोव से शुरू होकर अठाल चौक में अख्ताम पजीर हुई। रैली में प्रेस क्लब के मेम्बरान के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की।